सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये जी अब फिश लेकर आए थे, इसे नमक और अजवाइन लगी हुई थी, वो अब हम इसे धो रहे हैं। ये अब हमने धो लिया इसे जी, अब इसे हम मैरिनेट करेंगे मछली मसाले के साथ। ये हम जी फिश मसाला लेकर आए हैं, ये आप किसी भी अच्छे ब्रांड का डाल सकते हैं। ये इसके ऊपर लगाना शुरू कर दिया हमने, पहले मछली पर नमक और अजवाइन लगी हुई थी बस जी। अब इसे हम आधे पौने घंटे के लिए छोड़ देंगे, लगाने के बाद इसी तरह ही हम सारी फिश को लगाते जाएंगे। अब इसी तरह हम सारी फिश को लगा लेंगे। ये अब मसाला लग गया जी, अब इसे आधे पौने घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये हाँ जी, ये आप जी इसके ऊपर है, क्यों नहीं लाना जी ये जी आप ऑयल लग रहा है। अब हम ऊपर से जो मछली की स्किन है वो उतार रहे हैं, जो चानों वाली साइड होती है वो हम उतार रहे हैं ऊपर से, ताकि नीचे से जो फिश है वो अच्छी तरह कुक हो जाए, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा लेमन भी छिड़केंगे। इसके बाद आपने जो दूसरी फिश है उसको भी हम इसी तरह करेंगे कि उसकी भी स्किन ऊपर से एक साइड से उतार देंगे, और इसे ज़्यादा कुक नहीं करना। स्किन उतारने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट या 4 मिनट कुक करेंगे, हल्का सा कलर चेंज होगा और ये कुक हो जाएगी, फिर हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये देखें जी, ये तैयार हो गया बिल्कुल जी, फाइनल टच है जी ये बिल्कुल। हाँ, फाइनल टच। अब ये भी तैयार हो गया, अब हम इसे डिश आउट करेंगे और एंजॉय करते हैं। चलो जी ले आ चलो। ये देखें जी नींबू डाला जा रहा है, फिश हमारी रेडी है, इसके ऊपर अब लेमन है वो डाला जा रहा है जी। सब भाई
स्लॉट है, शुरू करो। हाँ जी चेक करो, लो ना शादी पड़ो ना। ये दही और पुदीने का रायता है साथ में, और ये फिश, और अब होगी कोका कोला। क्या बात है जी, साकब भाई ने इज्जत लूट ली मछली की। साकब भाई इज्जत तार तार कर दे, तार तार हजार बार।